हमारी की गई तो लगभग एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है 2-2.5 लाख रुपए का अवैध पटाखे का सामान जो है इनसे इनके पास से रिकवर किया गया है। दिवाली आते ही पटाखों की बिक्री शुरू हो जाती है, वहीं कई लोग अवैध तरीके से पटाखे की बिक्री करते हैं। ताज़ा मामला पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र का है, जहां अवैध तरीके से बेच रहे एक व्यक्ति को पटाखे के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। बताते हैं आपको कि कई तरह के वो पटाखे जो है लाकर बिना लाइसेंस के वो लोग बेचते हैं, वहीं प्रशासन द्वारा कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन लोग जो है पटाखे बेचने से बाज नहीं आते हैं और वो पटाखा बेचते हैं। तो जो है इस मामले में पटना सिटी पूर्वी SP क्या कुछ कह रहे हैं, हम आपको वो सुनवाते हैं। कल 30 अक्टूबर को एक सूचना मिलने के बाद छापेमारी की गई थी। ये छापेमारी चौक थाना में की गई थी, हरमंदर गली में एक दुकान है परमप्रीत सिंह। ये अवैध पटाखे का जो है इनके द्वारा जो है भंडारण किया गया था, और जब छापेमारी की गई तो लगभग एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है 2-2.5 लाख रुपए का अवैध पटाखे का सामान जो है इनसे इनके पास से रिकवर किया गया। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि अलग अलग थानों में इससे पहले खाजे कला में भी जो है ऐसे ही छापेमारी हुई थी, उसमें भी लगभग 1.5-2 लाख का ही सामान था जो रिकवर हुआ था। वो जो दिवाली आ रही है इसमें काफ़ी मात्रा में जो है पटाखे की डिमांड बढ़ जाती है, तो काफ़ी लोग जो है सेफ्टी नॉर्म्स को ताव पे रखे यहाँ अवैध तरीके से जो है पटाखों का भंडारण करते हैं। तो इसी जहाँ जहाँ सूचना मिलती है पुलिस को, यहाँ जो है एक प्रिवेंटिव एक्शन के तौर पे पुलिस कार्रवाई करती है। तो ये इसमें जो अरेस्टिंग है, एक व्यक्ति की अरेस्टिंग की गई है, परमप्रीत सिंह नाम है उनका, हरमंदर गली में इनकी दुकान है, चौक थाने में केस दर्ज किया गया है। चौक थाने में हुई है, खाजे कला में। इससे पहले भी जो है अलग अलग जगह पर छापेमारी की गई है। ठीक, थैंक यू।